नमस्कार दोस्तों, देश विदेश जॉब वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है ये खास तौर पे उनके लिए जो बिहार में गया रहते हैं। गया में जो है 9 मई 2024 को जो है लावा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रोज़गार मेले का कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। तो जो लोग भी गया रहते हैं या गया के आसपास डिस्ट्रिक्ट से हमारा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है आपस में ज़रूर शेयर कर लें, जो लोग भी ITI कर चुके हैं, ठीक है, जिनकी भी क्वालिफिकेशन ITI है। लावा इंटरनेशनल जैसे आप सभी जानते हैं मोबाइल बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। तो वहाँ पे अभी क्या कहते हैं ITI किए हुए कंप्लीट किए हुए लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन आपकी ITI होनी चाहिए, जो 2 साल वाला ITI होता है, ठीक है। उसके बाद आपका उम्र जो है 18 से 26 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू वाले दिन आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो सैलरी वाली बताई जा रही है वो आपका 14 हज़ार कुछ इनहैंड सैलरी है। उसके अलावा अटेंडेंस बोनस ओवर टाइम वगैरह मिला के 15 हज़ार प्लस आपका इनहैंड सैलरी बन जाएगा, ठीक है। PF ESIC सब कुछ रहेगा आपको, और भी जो बेनिफिट्स होते हैं, सब्सिडी रेट पे रहना खाना अगर कुछ होगा तो कंपनी वाले आपको इंटरव्यू में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल 10 दिन की फैसिलिटी तो वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। 10 दिन के बाद आपको अपना अरेंजमेंट शायद देखना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉब फेयर होने वाला है, गया में एक ITI है जिसका नाम है सुजान प्राइवेट ITI, ठीक है। सुजान प्राइवेट ITI है गया में, जो कि आपका रसलपुर पड़ता है, चाकंद रोड गया में, ठीक है। जो आपका पटना गया का मेन रोड है उसी रोड पे पड़ता है, चाकंद रोड रसलपुर में गया में, ठीक है। तो ध्यान से नाम याद कर लीजिए, सुजान प्राइवेट ITI, ठीक है। बहुत ही फेमस ITI कॉलेज है वहाँ का, ठीक है। तो आप सभी जो है 9 मई को जो है लावा इंटरनेशनल में इंटरव्यू दे के सेलेक्ट होके जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो जो जॉब लोकेशन होगी ये शायद नोएडा सेक्टर 63 में लावा इंटरनेशनल का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे आपका मोबाइल्स वगैरह बनते हैं, तो आपकी जॉब लोकेशन जो वहीं रहेगी, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है, जो लोग भी ITI अभी कंप्लीट किए हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट करके आपके पास एक्सपीरियंस है और आप बेरोज़गार हैं, तो सभी लोग जो है आप 9 मई को सुजान प्राइवेट ITI गया में जो है इंटरव्यू दे के सेलेक्ट होके जॉब पा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी भाई लोग ये वीडियो गया के आसपास से देख रहे हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, तो ये वीडियो जो है इसकी वीडियो में दी गई सूचनाएं जो हैं आपस में शेयर कर लें, ठीक है, ताकि जो है आप 9 मई को जो है लावा इंटरनेशनल में इंटरव्यू दे के सेलेक्ट हो सकें। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद आपका रिज्यूमे, बायोडाटा, सबका ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी रख लेंगे, 10वीं 12वीं ITI की मार्कशीट्स वगैरह सबकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेंगे, ओरिजिनल भी रख लेंगे, बैंक का डॉक्यूमेंट चेक या पासबुक, ठीक है, ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी रख लेंगे, और अपने कुछ 5-6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रख लेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी होते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आगे क्या ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, ठीक है, ऑफ़र लेटर वगैरह जनरेट करने के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी देश विदेश जॉब वाला यूट्यूब चैनल ये देख रहा है हमारा ये वीडियो, आपके पहचान में भी अगर गया के आसपास लोग हों जो ITI कर चुके हैं, बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, लावा इंटरनेशनल बड़ी कंपनी है, इसमें काम करके आप क्या कहते हैं अच्छा तजुर्बा पा सकते हैं, जो कि आगे चल के आपके भविष्य के लिए काफ़ी उज्जवल रहेगा, ठीक है, आपके करियर में काफ़ी सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है देश विदेश जॉब वाला, इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक कर दें, हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इस रोज़गार मेले की जानकारी पता चल सके, कैंपस प्लेसमेंट लावा इंटरनेशनल का चल सके गया में, ठीक है, जो कि 9 मई 2024 को है, सुबह 9 या 10 बजे से ये लावा इंटरनेशनल के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 9 मई 2024 को। तो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी, ठीक है, ये सब लेके टाइम से पहुंच जाएं। लावा इंटरनेशनल में बार बार आपको अवसर नहीं मिलेगा जॉब करने का, ठीक है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।